बीजेपी वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। साथ ही सुरेश जोशी ने बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा, रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर भी बीजेपी कई प्रदेशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी। आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का काम भी बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के अंदर जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जन्मदिन भी है परसों, जैसे मीडिया प्रभारी जी ने बताया कि उनके जन्मदिन को भी हम पूरे प्रदेश में मनाएंगे। और एक युवा व्यक्तित्व के रूप में जिस तरह से उन्होंने 1.5-2 वर्षों में इस प्रदेश की छवि को और इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में एक निरंतर बड़ी भूमिका निभाई है, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे देश प्रदेश का सौभाग्य है कि जहाँ देश पूरे देश के अंदर युवा शक्ति बहुत बड़ी तादाद पर काम कर रही है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री भी युवा है। और युवा मुख्यमंत्री का आज हम प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने के 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है। तो जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के बारे में सोचा है, ये अपने आप में एक उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा उदाहरण है